नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में से ये खबर आ रही है कि उन्होंने एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास से 97 एलसीए तेजस MK1 परचेज करने का टेंडर इश्यू कर दिया है। जी हाँ, 97 यानी कि 100 में 3 का एलसीए तेजस मार्क 1 जो कि रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हैं उसको परचेज करने का टेंडर इश्यू कर दिया है। अब इस टेंडर को रिस्पॉन्ड करने के लिए एचएएल के पास यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर ये लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये ऑर्डर कब तक वो कंप्लीट करेंगे और कब तक उसकी डिलीवरी दे पाएंगे। अब ये जो एलसीए तेजस मार्क 1A ऑर्डर किए गए हैं उसकी खासियत यह है कि इसको बनाने में जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो भी डिवाइसेस लगेंगे या जो भी चीजें लगेंगी, उसमें से 65% चीजें इंडियन मेड होंगी। तो इसी के चलते ये जो पूरा एक्सपेंडिचर है जो 65,000 करोड़ का बताया जा रहा है सिर्फ ये 97 एलसीए तेजस MK1A लेने के लिए, उसमें से 65% एक्सपेंडिचर इंडिया के अंदर ही रहेगा और वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिससे इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो इसी तरह से ये जो पूरा आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज को ग्रो करने के लिए ही नहीं, सिर्फ बिजनेस एनवायरमेंट को ग्रो करने के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देने के लिए काफी ही कारगर साबित हो रहा है। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर पर, तो ये ऑर्डर क्यों दिया गया? तो रिसेंटली जो हमारे पास MiG-21, MiG-23 और MiG-29 की जो फ्लीट्स है वो ज्यादातर या तो फेज आउट हो चुकी है या फिर बहुत ही नजदीकी भविष्य में फेज आउट होने वाली है। तो उसी के चलते उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ये इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एलसीए तेजस MK1A को ऑर्डर किया गया है। इसके पहले भी 83 एलसीए तेजस MK1A ऑर्डर किए गए थे और आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि जो नया वर्जन आएगा एलसीए तेजस Mark 2 उसके तकरीबन 200 यूनिट्स का ऑर्डर करने की तैयारी चल रही है और साथ ही में जो 5th Gen नाम का एयरक्राफ्ट्स हैं उनके भी 200 यूनिट्स ऑर्डर करने की तैयारी चल रही है। तो आने वाले समय में इंडियन डिफेंस के लिए ही काफी सारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा और उसमें जो भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, उन सभी को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और साथ ही में इसका इवेंचुअल जो बेनिफिट होगा वो स्टूडेंट्स को होगा क्योंकि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है मार्केट में, क्योंकि ये जो पूरा एनवायरनमेंट डेवलप किया जा रहा है खास करके डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, उसमें सिर्फ इंडियन डिफेंस के लिए ही नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भी सभी डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये सब प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी काम आ सकें और कॉम्पिटिटिव हो ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सके। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कितना टाइम लेता है एचएएल इस पूरे ऑर्डर को एक्सेप्ट करने में और उसको प्रोड्यूस करने में। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।